पलवल में 67 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को नलहड़ मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। उक्त व्यक्ति दुबई से यात्रा करने के बाद 18 तारीख को वापस पलवल लौटा था। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि पलवल जिले में विदेश से यात्रा करके वापस लौटने वाले संख्या 50 के करीब है, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में रखा गया है। उक्त लोगों में से एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण पाए गए। सैंपल लेने के बाद जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। इस मरीज को एहतियात के तौर पर नलहड़ मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। मरीज की हालत स्थिर है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति अपने घरों में रहें, किसी से मिलते वक्त अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से धोएं, घर पर रहकर ही कार्य करें, कम से कम बाहर की यात्रा करें। उन्होंने बताया कि कोरोना से संबंधित मरीज के परिजनों व उनसे मिलने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उनके घर तथा आस पड़ोस के क्षेत्र को सैनिटाइज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। विदेश यात्रा से वापस आने पर प्रत्येक नागरिक पर नजर रखी जा रही है। किसी भी ऐसे नागरिक को बाहर नहीं घूमने दिया जाएगा। कोरोना के लक्षण वाले व्यक्ति को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। पलवल के अंदर इस समय हमारे पास में फॉरेन से ट्रेवल करके आने वाले लगभग 50 ट्रेवलर हैं, जिनको अलग अलग स्थानों पर होम क्वारंटीन किया गया है। और उनमें से एक के अंदर ऐसे लक्षण आए और उनका हमने सैंपल लिया और वो सैंपल कल रात को पॉजिटिव आया है, तो वो हमने एहतियात के तौर पे आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। इस समय वो नल्लड़ के अंदर रखा हुआ है उनको एहतियात के तौर पे। उनकी स्थिति अभी स्थिर है और अभी ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं, लेकिन उनका कंटिन्यूसली उनके ऊपर नज़र रखी जा रही है। कोई अभी तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं वो। और इसी संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि सब लोगों से निवेदन ये कहना करेंगे कि जो लोग 60 साल से ऊपर के लोग हैं, वो लोग घर में ही रहें, और समय किसी से भी मिलते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके बाद हाथ अवश्य धोएं। अगर क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है वो किसी भी चीज़ के माध्यम से भी फैल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, तो अगर आपके लिए संभव है तो वही आपके लिए अच्छा है। अपने घर से ही काम करें और कम से कम ट्रैवल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel and hit the bell icon.